ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बस गाइस आप लोग जब वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, एंड गाइस इस वीडियो में जो हमारा कलर क्रिएशन वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस मिस मत करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है पिक्सार्ट ऐप में। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना गाइस यहाँ से ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आपको पीएनजी, ठीक है। एंड गाइस सारे जो भी मैं पीएनजी जितनी बार भी लगाऊंगा गाइस आपको उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि गाइस पीएनजी में जो है आपको कुछ कुछ चेंजेस करना है जो कि गाइस मैं वीडियो में ही बताऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। पहले गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो पीएनजी लोगो तो गाइस इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई रखना है। देन उसके बाद आपको अपनी आई के पास इस तरीके से इसको ले जाना है, ठीक है। मतलब अभी आपको उसको चेंज करना है, मतलब इसको ना अभी इसमें कुछ हमें मतलब क्रिएटिविटी करके इसको भी चेंज करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना है सब चीज़ें। आपको गाइस अपनी आई के पास ले जाने के बाद आपको रिजर टूल में जाना है। रिजर टूल में जाने के बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद गाइस आपकी जो आई का जो व्हाइट वाला एरिया उसके पास से आपको इसको इरेज करना है, ठीक है, ध्यान रखना। एंड जो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना है थोड़ी ओपेसिटी हार्डनेस कम करनी है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नीचे से मतलब कैसे इस तरीके से इरेज करना है कि मतलब कि हल्का हो जाए, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे डार्क भी करना है, बट उसके लिए पहले हमें इसको हल्का करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सब कुछ बताऊंगा आप सभी को। तो अभी आपको देखिए जो साइड में जितने भी एरिया हैं इनको भी इरेज कर लेना है, ठीक है। साइड में मतलब कि कोई भी पार्ट जो है ऊपर की तरफ ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखना आप सब, ठीक है। अभी इसको आपको इरेज करना अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आपको इसमें करना है क्या गाइस, देखिए अभी इतना काम कर लिया आप सभी ने, अब क्या करना है यहाँ पे आप सभी को, अब आप सभी को यहाँ पे पहले तो देखो अभी यहाँ पे इसका कुछ पार्ट रहेगा यहाँ पे रेस करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे ओपेसिटी हार्डनेस कम करके हम यहाँ से जो है नीचे नीचे से ऐसे इस तरीके से रेस करेंगे, ठीक है, ओपेसिटी हार्डनेस कम करके नीचे से। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे आप जाना दोबारा ऐड फोटो में, ठीक है। दोबारा ऐड फोटो में क्यों जाना गाइस वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें गाइस पहले देखिए यहाँ पे सब ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको देखो यहाँ पे पहले ओवरले करके देखना, अगर आपके में हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज वैसे नहीं होगा, ओवरले में जो है ब्लैक कलर नहीं हो पाता है, तो वैसे मल्टीप्लाई रहने देना। बट अभी हम कहाँ थे, हमें जाना था ऐड फोटो में, ठीक है। तो ऐड फोटो में जाने के लिए हमें क्या करना था, पहले तो देखिए गाइस ओपेसिटी वगैरह सब ठीक है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखिए आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आपको एक आई लेंस का पीएनजी, ठीक है, जो कि ग्रे कलर का होगा, आपको यही ऐड करना है, इसके अलावा आपको कोई और कलर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हमें अपनी फोटो को जूम करना है, एंड इसको फोटो को जूम करने के बाद जो आपके आई के ऊपर ये इजीली ऐड हो जाएगा, इसमें आपको कुछ रेज रेज भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आई का जो शेप है वो भी ऐसा ही है, ठीक है। आपको अपने आई के पास इस तरीके से रखना है, एंड उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, आपको उसकी हल्की सी ओपेसिटी कम करनी है, अराउंड 25 तक ओपेसिटी जो है कम कर देनी है, एंड 85 तक आपको रखनी है इसकी ओपेसिटी। देन उसके बाद आपको करना है इसको डन, ठीक है। अब उसके बाद ऐड फोटो में जाना है गाइस आपको यहाँ पे, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको ये वाला पीएनजी लेना है, ठीक है। इस वाले पीएनजी को लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई रखना है, एंड एक बार ओवरले भी करके देख लेना, ठीक है। ओवरले में इतना खास लग नहीं रहा है, थोड़ी लाइटनिंग हो जा रही है, तो मल्टीप्लाई रखना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई रख देने के बाद आपको करना, आपको इसको जूम करना है इस तरीके से, एंड इसको अपनी आई के पास रखना है, यानी कि मतलब जो आपका येलो वाला जो पार्ट इसमें दिख रहा है ना गाइस आपको कलर में, वो वाला पार्ट जो आपके राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पे रोटेट कर लेना है, एंड इसको रोटेट करने के बाद जो है गाइस कुछ स्टेप्स इसको रख देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इतना हो जाने के बाद जो है आपको एक डुप्लीकेट बनाना है इसका, मतलब कि इस जो लेफ्ट वाले साइड में वहाँ पे कलर कम है ना, तो उसको रेड दिखाने के लिए आपको यहाँ पे डबल कर लेना इसका, एंड इसको सेम वैसे ही रख देना जैसे भी आपने इसको रखा था, ठीक है। फिर उसका इरेजर टूल में जाना है, तो अभी देखिएगा इस साइड में ज़्यादा डार्क हो गया, तो हम इस साइड का एरिया जो हम इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, जितना ज़्यादा टाइम लगता है ना फोटो को एडिट करने में उतनी अच्छी एडिट होती है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे इतना हो गया, अभी एक डुप्लीकेट इसका भी करेंगे, एंड इसको हम लगाएंगे फिंगर्स के पास, यानी कि जो इसका कलर्स है वो हमारे फिंगर्स के ऊपर भी गिर रहा है, तो ये दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब जो माउथ के ऊपर जो भी एरिया आ रहा है उसको सिंपली आपको इरेज कर लेना है इस टाइप से, ठीक है, अच्छे तरीके से एकदम, मतलब बॉम्ब फोटो बनानी है भाई हमें ये, ठीक है। तो अभी इतना हो गया, अब गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इरेज हो गया, तो उसको पेंट कर लिया हमने। अब एक इसका भी डुप्लीकेट करना है हमें, ठीक है, यहाँ पे एक उसका भी डुप्लीकेट करना है, क्योंकि जो दूसरी वाली फिंगर उसके पास भी तो पहुँचाना है ना कलर, तो अब हम इसका भी डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे, एंड डुप्लीकेट करके जो हम इसके दूसरे वाले फिंगर के पास भी कुछ इस टाइप से रख देंगे। अब गाइस बात आती है हमारे जो ब्लैक वाला जो हमने जहाँ पे ब्लैक कलर का जो ब्लैक कलर किया हमने आई के पास, वहाँ पे उसको डार्क करना है थोड़ा सा। कैसे करना है वो आपको, अब आपको क्या करना है उसके लिए, आपको जाना है ऐसे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद आपको एडजस्ट में जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद आपको उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल माइनस कर देनी है, एंड जाना इरेजर टूल में, फिर कर देना इन्वर्ट, फिर ब्रश लेना है, ब्रश का साइज छोटा करना है, एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है, एंड फोटो को जूम करने के बाद जो आपकी आई के जो ये मोटे वाला जो एरिया है ना, ये वाला जिसमें मैं पेंट कर रहा हूँ, आपको इसको डार्क करना है, ठीक है, इसको डार्क करना है, एंड उसके बाद उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आप इसको साइज पे जाना है, एंड उसके बाद आपको जिसकी ओपेसिटी हार्डनेस कम कर देनी है, ठीक है, एंड उसके बाद सॉरी इरेजर पर नहीं, आपको ब्रश पे ही रहना है,
ब्रश पेंट के बाद आपको कुछ इस टाइप से पेंट करना है इस तरीके से, मतलब कि जो बाकी वाला जो एरिया ये भी हो जाए थोड़ा थोड़ा डार्कनेस, ठीक है। अभी देखिए गाइस यहाँ पे इतना मतलब कि इतना ही हो पाएगा, क्योंकि मतलब क्या है ना कि पिक्सआर्ट में ना कुछ काम ऐसे हैं जो कि यार लाइट रूम में भी कर सकता है, पिक्सआर्ट नहीं कर पाता है, तो अभी उसको हम जो है लाइट रूम में भी करेंगे। अभी देखिए मतलब गाइस जितना हमें करना था इतना तो हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है, तो अब इतना परफेक्ट है। अब इसको हम यहाँ पे डन करेंगे एंड इसको हम अब ले जाते हैं यहाँ से लाइट रूम में, क्योंकि गाइस वहीं पर हम इसका जो है इलाज कर सकते हैं अच्छे से इस फोटो का। तो अभी हम क्या करेंगे इसको सेव करेंगे एंड इसको लेके चलेंगे हम लाइट रूम ऐप में एंड वहाँ पे जो है हम इसके जो भी ये करेंगे अब जो भी करना है इसके साथ, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे सिंपली ऐड करते हैं लाइट रूम ऐप में। अब गाइस देखिए पहले आपको चले जाना कलर्स में, पहले ही कलर्स में चले जाना है, ठीक है। फिर उसका जाना आपको मिक्स में, फिर इसको ग्रीन कलर लेना, इसका सैचुरेशन माइनस करना, क्यों क्यों हुआ इसकी, क्योंकि हमें जो बैकग्राउंड है वो रखना है ग्रे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका ह्यू जो है येलो अलग है उसका भी माइनस रखेंगे, सैचुरेशन भी माइनस रखेंगे। फिर उसके बाद डार्क ब्लू लेंगे एंड इसका सैचुरेशन हम कर देंगे माइनस एंड कर देंगे डन, ठीक है। बाकी का जब फेस का भी कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर ऑरेंज कलर लेते हैं, इसका ह्यू माइनस सैचुरेशन माइनस एंड इसका ल्यूमिनस प्लस एंड रेड कलर का जो है ह्यू यहाँ पे इसको भी माइनस कर लेते हैं एंड सैचुरेशन इसको प्लस कर लेते हैं। अब इतना परफेक्ट है, अब इसको कर लेते हैं हम डन, ठीक है। इतना जाने के बाद चलते हैं हम कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हम माइनस की तरफ रख लेते हैं एंड जो गाइस हाईलाइट है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे माइनस की तरफ इसको भी रख लेते हैं एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे हम इंक्रीज कर लेते हैं एंड इसके बाद आपको मिलेगा व्हाइट, आपको इसको जो है इसको भी कम कर लेना है, जो ब्लैक है इसको भी कम कर लेना है। फिर आपको चले जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, इसकी वाइब्रेशन बढ़ा देना आप सभी को एंड टेम्परेचर इसको कम कर देना है। फिर उसके बाद कलर्स के नीचे वाले टूल में जाना है आपको, फिर यहाँ पे आपको क्लियरिटी इंक्रीज करनी है फोटो में, जो विग्नेट वगैरह वो अपनी फोटो के हिसाब से आपको डाल देना है एंड उसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, ठीक है। मतलब थोड़ा ग्रेन अमाउंट भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, ग्रेन अमाउंट भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब उसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि होगा शार्पनेस का, आपको इसको इंक्रीज कर देना है, नॉइज़ रिडक्शन होगा इसको भी इंक्रीज कर देना है, इसके नीचे मिलेगा आपको कलर रिडक्शन, आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।